दर्शक बंधु मु प्रोफेसर डॉक्टर जयंत कुमार दास प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन सम अल्टीमेट मेडिकेयर रे अछि मोर निज क्लिनिक हला दास्थेटिक्स। तो प्लास्टिक आउ कॉस्मेटिक सर्जरी नेकिरि बहुत लोकंकर बहुत भ्रांत धारणा अछि जे प्लास्टिक सर्जरी कौन कॉस्मेटिक सर्जरी कौन। तो आमे आज आलोचना करिबा जे कॉस्मेटिक सर्जरी कौन। तो प्रायतः जो मानक भी आपड़ पचारे जदि कॉस्मेटिक सर्जरी कौन समस्ते कन्फ्यूज था एक्चुअली कौन कॉस्मेटिक सर्जरी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी है जदि आपणकर कौन से भाया ग्रॉस डिफेक्ट डिफॉर्मिटीज ना कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है आपसी असुविधा है कि आपणकर कैंसर द्वारा कौन गोटे पार्ट कैंसर द्वारा रिमूव कराला। तो से भाया कौन कंडीशन जो नॉर्मल लोक अच्छी कि तार केतेटा जिनस आमर जो आस्थेटिक पारामीटर गोटे आमर गोटे आस्थेटिक पारामीटर अच्छी। तो से जो आस्थेटिक पारामीटर आम थाए जे नाकटा एमती हवा दरकार ओठटा एमती हवा दरकार। तो से जो अच्छी पारामीटर से पारामीटर्स जदि से फुलफिल करूनी ताहले तार कॉस्मेटिक सर्जरी रो दरकार पड़े। तो एटा तो जो माने लेमेन से माने जानी परिबे जे कौन आस्थेटिक पारामीटर। तो केतेटा जिनस अच्छी जोटा कि कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जाए आउ एटा गोटे प्लास्टिक सर्जरी एक्सटेंशन जेणु जड़े भल कॉस्मेटिक सर्जन हवाक तार प्लास्टिक बा रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी रो बैकग्राउंड भल थिबा दरकार कारण तार एनाटॉमी तार टिश्यू हैंडलिंग ये सब जिनस जदि परफेक्शन नथिबो ताले से जड़े भल कॉस्मेटिक सर्जन हो पारिबोनी। आउ आजिकाली तो शुणुथिबे बहुत टाइप रो सब कॉम्प्लिकेशंस होउची जेमती रिसेंटली आमर कर्नड रो चेतना से डेथ हो गला। बट ये सब जिनस होउची कहीं जदि जड़े क्वालिफाइड सर्जन करिबा सहित गोटे भल प्लाटफर्म भी रहा दरकार आपन जो सेटअप रे कॉस्मेटिक सर्जरी करूछंती सेटा वेल इक्विप्ड हवा दरकार। आउ से भाया वेल इक्विप्ड जदि नथिबो ताले से जगह रे आपन कॉस्मेटिक सर्जरी करंतु नाही। आउ कॉस्मेटिक सर्जन पाखे जेतेबेले आपन पहुंचुछंती से सदाबेले आपन प्रांजल भाबे बुझंतु जे आपनकर कोन एक्सपेक्टेशन अछि आउ साइंटिफिकली से कोन अचीव करि परिबो ए दुटा रे बैलेंस हवा निहाती दरकार। केतेबेले भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखुनी जोटा कि आजिकाली जुवपीढ़ी मान बहुत रोच। आउ कॉस्मेटिक सर्जरी चाहिदा कहीं आज बढ़ी कहीं लोक मैंने सदा बेले निजक सुंदर देखा चाहते सोशल मीडिया है प्री वेडिंग वीडियो शूट हो तो सदा बेले लोक तार फोटो अपलोड करूम मीटिंग करुच्ची सदा बेले से चाहिए निजे भल देखा प्रेजेटेबल देखा से आजिकल कॉस्मेटिक सर्जरी चाहिदा बहुत बढ़ी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत प्रकार अटे मु गोटे परे गोटे कहिबी आउ ताकु संक्षिप्त रे तार कहिबी जे सेटा कौन सर्जरी कौन साइड इफेक्ट केमती कौन ता विषय टिके टिके कहिबी। तो आमे जदि हेड रु स्टार्ट करिबा टॉप ऑफ द हेड टू टिप ऑफ द टो जो कॉस्मेटिक सर्जरी वैरायटीज अछि तो सबुटु पॉपुलर जोटा कॉस्मेटिक सर्जरी स्पेशली मेल मानक क्षेत्र रे हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो बहुत लोक बहुत यंग अवस्था रे तांकर बाळ झड़ी जाउची बाळ झड़ीला परे कोन होउची ना से माने तांकर निजर सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करचोनी बुढ़ाळिया देखाउचोनी लोक से कॉन्फिडेंस पाउनी जेतेबेले सोसाइटी रे से जहा सहित कथा होचोनी तांकर निजर सेल्फ कॉन्फिडेंसटा कमी जाउची। तो कॉस्मेटिक सर्जरी माध्यम रे आमर गोटे हेयर ट्रांसप्लांटेशन पद्धति अछि जोथरे आमे कोन करू तांकर जो एरिया रे जो मुंडर पछ पाखर एरिया रे आमे कहंती जेनेटिकली प्रोग्रामड परमानेंट हेयर से जगार आम गुटी गुटी करी हेयर से ब्लॉक करी तार हेयर रूट सहित तो, जो जगह चंदा थी से जगह आम प्रतिरोपण करता। तो यहाँ बहुत गोटे साइंटिफिकली सक्सेसफुल प्रोसीजर अटे बहुत जन मन में बहुत धारणा थाए जहाँ सतरे ठीक हो पारे निश्चय सतरे हो पारे आर जो तार जो परिवर्तनटा होची मुहरे सेटा किंतु बहुत नोटिसेबल आउ आमे ताको सेतपे पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनालिटी को काहे ना गोटे लोक बुढ़ा देखा जाऊ तो देखिबे हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत यंग देखा जाऊ काहे ना से जो चंदापण दूर हो गला सेतपे त भलो देखा जाऊ आउ एथिरे कोनोसी सेमती मेजर साइड इफेक्ट नै यदि गोटे भलो कॉस्मेटिक सर्जन पाखरे आपण करी थांती भलो प्लेटफॉर्म रे करी थांती ताले कोनोसी प्रकार साइड इफेक्ट नै आउ एथिपे
हॉस्पिटल रे एडमिशन होबा दरकार नहीं, एटा गोटे डे केयर प्रोसीजर सकाळु आपणकर प्रोसीजर स्टार्ट हुए और लोकल एनेस्थेसिया रे हुए और से जेतेबेले प्रोसीजर टी चली थिबो सेतेबेले आपण कथाबार्ता करि परिबे गीत सुनि परिबे मजे टिके ब्रेक नेगिरी आपणकर खाई परिबे भी चा पी परिबे ता सहित प्रोसीजर चालटा जे हां एटा टिके लेंथी और मेटिकुलस प्रोसीजर अटे। तो नॉर्मली गोटे सेशन आम 6-8 घंटा लगे। तो ये आपणकर प्रथम जो हेयर गुड़ाक आम लगे था तार साफ्ट गुड़ाक टे झड़ी झड़ी जाए तो 2-3 सप्ताह भितर टे झड़ी जाए पुणी तापर मसे भितर हेयर ग्रो कै तो 3 मास बेलू आप रिजल्ट पूरा भिजिबल हे आईटा को वन्स 3 मास हो गला 3 मास पर सेविंग करें ट्रिमिंग करें बाल काटिपारे सब जिन नॉर्मल हेयर जमी जो भाया आप करती से भाया करें। तो यह हूँ आम हेयर ट्रांसप्लांटेशन जोटा कि आजिकल बहुत पॉपुलर आउ इवेन फीमेल माने भी तांकर जो बहुत जनकर हेयर लाइन बहुत उपर को रोचे कपाड़ा बहुत बड़ देखा तो सेमाने भी सेमाने हेयर लाइन हेयर ट्रांसप्लांटेशन करके हेयर लाइन टाक तल को आनी पार्टी सहित फिमेल मानकर भी जदि हेयर डेनसीटी भल ना तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करके हेयर डेनसीटी बढ़ाऊँ ता सहित बहुत ट्रांसजेंडर मान जो मैंने कि गोटे फिमेल टाइप हेयर रो ग्रोथ चाहूँ सो से भी नुआ हेयर लाइन तैयारी हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर साहय नौ। तो यह गला हेयर ट्रांसप्लांटेशन विषय तापर नेक्स्ट जोटा मेल मानकर बहुत पॉपुलर अटे गायनोकोमास्टिया। बहुत लोक अच्छा स्पेशली युवा पीढ़ीर लोक जो मैंने 20-25 वर्ष कि 30 वर्ष बयस मध्य देखिए चेस्ट रे ब्रेस्टा फिमेल भाया एनलार्ज रोच जो थे कि टी सार्ट जो पिंधुं कि स्विम सुट पिंधुं से समय बहुत गोटे अक्वार्ड लगुच आईपाई टाइट टी सार्ट पिंधि पार ना सोसाइट आउट आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रे पार्टिसिपेट कर पार सांगसाथी मैंने भी चिड़ौं तो झील पिला किए कौचे ट्रांसजेंडर कौच तो ये भाया गोटे से जो मानसिक संतुलन हरूँ से डिप्रेशन शिकार होती बेले बेले यंग अवस्था जो मैंने 19-20 वर्ष पिला मैंने भी पाठ पढ़ा क्यारिअर भी नष्ट हो। तो ये गायनकमास्टिया गोटे आप स्टाटिस्टिक्स देखले प्राय गोटे 6 पुरुष मान क्षेत्र में गायनकमास्टिया देखा जाए आ बहुत लोक माने जो माने तंग पेरेंट्स माने कहंती तू एक्सरसाइज करे तू डाइट रिस्ट्रिक्शन करे आउ सेथिरे कमी जीवो किंतु केबे भी एटा कमेनी कोनोसी डाइट आउ एक्सरसाइज द्वारा गायनोकोमास्टिया कमीबोनी आरो सर्जरी निहाती आवश्यक। सर्जरी भी आजिकाली एते सुविधा हेलाणी जोटा कि आमर पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन द्वारा गोटे छोट छिद्र कर पूरा सेठु संपूर्ण फैट फैट गुड़ा बाहर कर दौचु ता सहित जदि ग्लांड किछि थाउचे सेटा भी बाहर। तो जेमती गोटे मास्कुलाइन चेस्ट जोटा कि फ्लाट चेस्ट हवा कथा से चेस्ट रपिरेन्स आस। तो ये गोटे दिन आपको एडमिशन रहा पड़े सका जी एडमिशन ऑपरेशन है आप रात 8-9 बेले डिस्चार्ज हो पारे कि पर डिस्चार्ज हो। तो ये खाली गोटे जिनस अवलम्बन कराए जे आपण ऑपरेशन पर गोटे प्रेशर गारमेंट गोटे पिंधा पड़े जोटा कि टाइट गंजी मुझे कहि जो टाइट गंजी कहीं पिंधा जाए जो जो स्किन टा बल्ज होता है जहाँ तलू आम फैट नहीं जाऊ तो से समय आपड़ी गंजीटा पिंधुचंती ताहले से स्किन टाकु टाइटनिंग रे से हेल्प करे आउ यार कौन से जो गायनोकोमास्टिया सर्जरी बा लाइपोसक्शन द्वारा गायनोकोमास्टिया जो करेक्शन करा जाए इथरे मेजर साइड इफेक्ट किछि नै और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया से मासे भितर तार बहुत बढ़िया जोटा फुडा जो फ्लाट मस्कुलाइन चेस्ट अपीयरेंस सेटा आसी जाए। तो यही दुईटा हेयर ट्रांसप्लांटेशन आउ गायनोकोमास्टिया बहुत पॉपुलर अटे स्पेशली मेल मानक क्षेत्र रे। फीमेल मानक क्षेत्र रे जदि आपण देखिबे कौन कौन कॉस्मेटिक सर्जरी पॉपुलर से राइनोप्लास्टी बहुत लोकंकर बहुत स्त्री लोकंकर किंबा एकदम यंग फीमेल्स मानकर तो तांकर नाक चपटा बा नाक अति बड़ माने नाक तांकर फेस अनुसार नाकटी जमा भलो देखियो नथाय। तो ता सहित के जणक नाकर निश्वास भी एपट सबड टिके हुए कारण तांकर डेविटेड नाजल सेप्टम थाए तो ए सब जिंस आम राइनोप्लास्टी किंबा सेप्टो राइनोप्लास्टी द्वारा ठीक करी था एथेरे खाली कॉस्मेटिक करेक्शन तो जहाँ हुए तापर करेक्शन पर नाक जो निश्वास नबारे भी भल फ्रीली निश्वास नबा आसवा करी परिबे आपण। तो ये जो राइनोप्लास्टी द्वारा गोटे फेस रो बहुत बढ़िया चेंज आसे आपण देखिथिबे बहुत सिनेमा तारका जो फिल्म स्टार बॉलीवुड रो से सब राइनोप्लास्टी करछन आपण ता आउ पूर्व आउ एबर लुक रे आपण डिफरेंस जानि परिबे तो केते फेस ता केते बढ़िया चेंज हो जाउछ।
सेकेंड जो फीमेल मानकर जो कॉस्मेटिक सर्जरी है ब्रेस्ट रो रीसेपिंग तो बहुत मान फीमेल्स अच्छा कह ब्रेस्ट बहुत एनलार्ज्ड अच्छे मानते बहुत बड़ ही जाफर गोटे जो ड्रेस पिंधला बेलू अबेगा लगुच नंबर वन सेकेंड जिनस बहुत वेट जो ब्रेस्ट शोल्डर पेन हो नेक पेन हो तो यही सब जिनस कि फंगल इनफेक्शन हो ब्रेस्ट अंडर सरफेस तो से सबू क्षेत्र में आम गोटे रिडक्शन मामोप्लास्टिक करी से ब्रेस्ट को छोटो करी पार्छु जमी बॉडी अनुसार जो भाया सेप रहा कथा से सेप को आम आनीपरु सेकेंड जिनस है बहुत जन ब्रेस्ट छोटो रोचे तो से चाहिए ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज करके जो सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट बेले बेले फैट ट्रांसफर द्वारा भी ब्रेस्टर सैजटा को बढ़े पारे ता सहित तो बहुत जन बहित महिला जो मैंने कि गोटे छुआर कौन हो ब्रेस्टर सैगिंग तो ब्रेस्टा ओहली पड़ू तो से क्षेत्र में आम ब्रेस्ट लिफ्ट मास्टोपेक्सी प्रोसीजर द्वारा ब्रेस्टर रिसेपिंग करुच्चा सहित आम कौन कर जदि तार दरकार पड़े ताले बेले बेले सिलिकॉन इम्प्लांट भी से लगे जो थे कि गोटे ब्रेस्ट प्रॉपर शेप जमी आसवा कथा फिगर अनुसार से भाया हो तो ये तीन टा जिनस कहली रिडक्शन मामोप्लास्टी कि ऑगमेंटेशन विथ सिलिकॉन इम्प्लांट कि मास्टोपेक्सी तो ये कौन सी मेजर साइड इफेक्ट ना और हॉस्पिटल एडमिशन दरकार आटा को जेनरल एनेस्थेसिया अंडर करा जाए आउ गोटे रु दुई दिन हॉस्पिटल स्टे दरकार पड़े आउ पोस्ट ऑफ केयर रे आपण सर्जरी परे आपणकर ब्रेस्टर कंटूर ठीक रखिया पई आइदर स्पोर्ट्स ब्रा किंबा ब्रेस्ट रो स्पेसिफिक प्रेशर गार्मेंट ब्रा भी अछि ताकु पिंधि परिबे तो ताले धीरे धीरे तीन रु चार मास भितर आपणकर ब्रेस्ट रो शेपटा जोटा आसीबा कथा आसीबो आउ लुक भी भलो रहइबो आपण फिगर भी भलो देखा जइबो आउ गोटे जोटा महिला मान क्षेत्र बहुत पॉपुलर अटे से लाइपोसक्शन आउ जो मैंने विवाहिता महिला जो मान पिला छुआ सारी फैमिली कम्प्लीट होकर लाइपोसक्शन विथ एब्डोमिनोप्लास्टी तो लाइपोसक्शन कौन आउ लाइपोसक्शन विथ एब्डोमिनोप्लास्टी लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी कौन तो लाइपोसक्शन है जोटा आमर अनवांटेड फैट रोच बहुत जगह तली पेट थाए आर्म एरिया तो से जगार आम गोटे छोट छिद्र करें तार फैटा को बाहर कर परिबा तो सेथिरे कौन हो ना फिगर टारो गोटे कंटूर इम्प्रूव हो तो एक कहती बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर बहुत जन भ्रांत धारणा थाए जे आम मोटा अच्छे तो आम लाइपोसक्शन करदे पूरा पतला ही जा तो लाइपोसक्शन केवे भी गोटे वेट लॉस सर्जरी नुह लाइपोसक्शन है गोटे बॉडी रो कंटूर इम्प्रूविंग सर्जरी तो ये जो मानकर बीएमआई बा बॉडी मास इंडेक्सटा 26-30 ओवर वेट कैटेगोरी अच्छे किंबा 30-35 ग्रेड वन ओबेसिटी अच्छे भल रिजल्ट आण लाइपोसक्शन से बॉडी रो जो कंटूर बा शेप बहुत बढ़िया इम्प्रूव हो जोटा कि कंफर्टेबल लगे आउ से वेस्टर्न जो ड्रेस हेरिका पिंधि पारे जो थे कि कौन से अबेगा देखा अबेगा लगे तो आउ गोटे जिनस जो मैंने आमर बहित महिला मैंने फैमिली कम्प्लीट है ब्रेस्ट सैगिंग जो थे मास्टोपेक्सी कर सहित पेट भी होली जा तो पेट जो होलुची सेटा कौन होलुची फैट जो होलुची ता से जो पेटर जो मसल रो लैक्सिटी पेट जो भी ओहुची तो से समय आम कौन करूँ आम तार गोटे लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी प्रोसीजर करूँ से जो एक्सेस फैट अच्छी ताकू तो काढ़ू ता सहित एक्सेस स्किन को भी काटि दि जाए आउ जो अम्बिलिकस नाभिटा को रिपोजिशनिंग कराए तो यहाँ गोटे बहुत बढ़िया प्रोसीजर जो थे कि आप देखिए बहित महिला मैंने लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी कर सारापर बहुत पूर्व जमी पेट था से भाया सेप आसी जाए भी आम स्ट्राटेजिकाली जो ऑपरेशनटा करी था एमती स्कारटा रुहे जोटा कि आपंकर बिकिनी लाइन तले रुहे तेना स्कारटा विजिबल हुए आउ जोटा भी नुआ अम्बिलिकस रिपोजिशन होता है तार स्कार भी जना पड़े तो यही जो लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी बहुत पॉपुलर है जेबे बहुत जन स्पेशली यंग बहुत आजिकल मैरेज जमी 22-23
3 एज रे हि जाउची ता परे अराउंड 30 एज बड को पिला टिके बड हेलानी ता फॅमिली कंप्लीट सो 30 रो 40 रे जो तांकर निजरो मेंटेन करबा को फिगर टाकु तो एही लाइपो अबडोमिनोप्लास्टी रो साजन नउचंती आ तांको भल लागुची एक्सरसाइज करि पारुचंती फिट रहि पारुचंती वेस्टर्न वेयर पिंदी पारुचंती तो ओव्हरऑल तांको गोटे भल बॉडी रो सेफ आमे देई पारुचे लाइपो अबडोमिनोप्लास्टी तो तापर आउ गोटे धीरे धीरे एवं पॉपुलर है जोटा कि आम आस्थेटिक गायनोकोलोजी कहा तो आगे थिला जे गोटे सेक्स जिनस गोटे टाबू थिला इट वाज बहुत माने ता विषय के डिस्कशन करू नथिले बट एबे पीपल आर वेरी ओपन अबाउट देयर सेक्सुअल लाइफ तो सेमानकर लाइक कहार वजाइनल लैक्सिटी अच्छी जोटर जोटा कि आम सेक्स लाइफ एंजॉय कर पारना तो वजाइनल टाइटनिंग होची तो यहाँ गोटे सर्जिकल प्रोसीजर भी होची और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर बा CO2 लेजर द्वारा होची ता सहित बेले बेले पिला छुआ हला परे जो वजाइनल शेप चेंज हो जाऊँ तो जो मैंने यूथफुल स्टेज रे जमी वजाइनल शेप थाए तो लेटर जोटा कि चेंज हो श्रंकन हो एक्सेस स्किन हो तो तार आम लैबियोप्लास्टी द्वारा भी तार शेप आम चेंज कर पार्छे तो यही गुड़ाक जो मुझे फिमेल मानकर ब्रेस्ट रिसेपिंग लाइपोसक्शन लाइपो अबडोमिनोप्लास्टी आस्थेटिक गायनोकोलोजी तो यही सब प्रोसीजर्स बहुत कमन अटे आईटा कस्मेटिक सर्जरी फिमेल मानक मध्य यहाँ बहुत पॉपुलर अटे ता सहित बहुत गुड़े कस्मेटिक सर्जरी अच्छी जोटा कि नॉन सर्जिकल तो नॉन सर्जिकल मैंने आप कहे से कौन सी ओटी ऑपरेशन थिएटर आवश्यकता नहीं यहाँ गोटे क्लिनिक बेस्ड प्रोसीजर आई बहुत पॉपुलर जो जो प्रोसीजर्स तार मुझे आप बुझेबी से सब पॉपुलर है पीआरपी थेरापी तो पीआरपी थेरापी कौन पीआरपी थेरापी है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरापी तो ये कौन हुए ना जनकर जार हेयर फॉल अधिका हो चंदा है हेयर थिनिंग है स्काल्प टी विजिबल हो तो जदि हेयर ट्रांसप्लांटेशन पूर्व आपड़ किसी ट्रिटमेंट देवाक चाहते हैं पीआरपी थेरापी दिंतु तो पीआरपी थेरापी लोकटा जो मेल हो कि फिमेल होकर आम ब्लड ड्र करूँ से ब्लडटा प्रोसेस करूँ से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बाहर जोटा कि आम स्काल्प इंजेक्ट करूँ तो से हेयर ग्रोथ भल रुए बेले बेले जोटा को छोट छोट हेयर्स गुड़ाक जोटा इजिली ब्रेक हो जाए हेयर फल अधिका होता तो पीआरपी थेरापी परे तांकर हेयर फॉल कमी जाए थे तो एमती बहुत केस रे आम देखीचु इनिशियल स्टेज जदि आम पीआरपी थेरापी दौचु तेरे आगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन आवश्यकता रोना तो यहाँ गोटे बहुत पॉपुलर प्रोसीजर सेकेंड जिनस है फेस रो ग्लो फेस ग्लो गोटे हाइड्रा फेसियाल गोटे प्रोसीजर जोटा कि गोटे मेसीन द्वारा आपंकर फेस र्लीनअप होता सहित आम कंबाइन करें अक्सीजेन ट्रिटमेंट आ गए एलईडी थेरापी तो ओवरअल गोटे जो हाइड्राफेशियल ऑक्सीजेनियो आउ एलईडी थेरापी रे तो फेस रो जो ग्लोटा मेंटेन होची तो नॉर्मल जो गोटे पार्लर स्टाइल जो क्लीन अप अपेक्षा इट इज मोर साइंटिफिक एंड यार रिजल्ट भी भल ता सहित गोटे पॉपुलर प्रोसीजर अच्छी कार्बन लेजर फेसियल एटा को हॉलीवुड फेसियल भी कहते कहीं हॉलीवुड रो बहुत एक्टर एक्ट्रेस फेस रो मेंटेन करबा को पिगमेंटेशन रिड्यूस करबा को पिगमेंटेशन प्रिवेंट करबा को ई प्रोसीजर करिथांती तो एथिरे गोटे कार्बन पेस्ट अप्लाई करा जाए तापर इंडिया लेजर दिया जाए जो थे आमर कौन हुए ना कार्बन पार्टिकल्स गुड़ा डिस्पर्स हवा सहित जो डेड स्किन्स भी डिस्पर्स हूँ डेड स्किन्स सब पड़ाती ओपन पोर्स गुड़ाक क्लोज हुए एक्ने कमी जाए फाइन रिंकल्स गुड़ाक लाइन्स गुड़ाक कमी जाए तो यहाँ बहुत बढ़िया गोटे बेनिफिट दिए जोटा कि एस्पेशली 25-30 एज रु अधिका 40-45 एज पर्यंत जो मैंने फेमस मैंने बहुत प्रोडक्टिव आ भल रिजल्ट आने तो यहाँ गोटे आजिकल कस्मेटिक जो नन सर्जिकल कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत पॉपुलर अटे आउ गोटे पॉपुलर जिनस है आपंकर देखिए बहुत जनकर एक्ने पिट्स सब रोचे तो से जो एक्ने पिट्स रोचे मुहर गात गात रोचे तो तापाई आम गोटे MNRF थेरापी कर जोटा कि गोटे रेडियो फ्रिक्वेन्सी जोटा कि निडिल से गोटे स्किन दि जाऊँगी रेडियो निडिल रु रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाहर तो सेटा से जो छोट छोट गात को मानने सामान करने को हेल्प कर मुहर जो टेक्सचरटा को भल आ मुहटा भल देखा
ता सहित पपुलर है बोटक्स एंड फिलर। तो यहाँ आगे आम भावुलु जो केवल सिनेमाटिस्ट मैंने सब जिन करते बट ए बहुत यंग ग्रुप रो मैंने फिमेल्स मैंने भी आसुच्च आसिक बोटक्स इंजेक्शन नौ फिलर्स इंजेक्शन नौ तो बहुत जन मन में भी बहुत मिसकनसेप्स रोज बोटक्स कौन फिलर कौन। तो बेसिकली बोटक्स है जो आम हसुचे कि फेसियल एक्सप्रेशन दूचे जो रिंकल्स पड़ू संगे संगे कमेवा को आम बोटक्स इंजेक्शन दि जाए से गोटे मसल को इंजेक्शन दि जाए जोटा कि मसलटा पारालाइज हो गला आप हसिले भी से रिंकल्स आपंकर देखा जाए आईटा सर्ट टर्म आप आठ मस रु बर्षे रुणी बर्षे पर आउ थे बोटक्स इंजेक्शन लगे। तो स्पेशली बहुत कमन जोटा फोर हेड रिंकल्स कि आखिपाखर क्रोज फिट तो यही दुटा जगार कि बेकर जार लाइन से रोच तो एम मानी बोटक्स बहुत एक्सलेंट रिजल्ट आणुच्छे आने से कौन साइड इफेक्ट नहीं कारण बहुत लो डोज रे जो बोटुलिनम टॉक्सिन टाक आम दौचे ता सहित बहुत जन तर चीन रो आम जॉ लाइन स्पेशल जॉ लाइन रो गोटे रिसेपिंग जार जॉ रो स्पेशल मासेटर एरिया बहुत प्रोमिनेंट अच्छी से आम बोटक्स देकर जॉ रो स्लिमिंग कर पारे। और फिलर रो जोटा पॉपुलैरिटी अच्छे दुटा जिनस गोटे है आखि तलर जो हलो अच्छी गात भाया टे देखा आई जगार आम फिलर्स दूचे टीयर कहते आउ गोटे फिलर्स पॉपुलर है जोटा आपणकर लिप्र जोटा यंग जेनेशन स्पेशली लिप जार पतला अच्छी ओठ अच्छी आम फिलर देकर भल भल्यूम आणिकी तार लिपटा को सुंदर कर पारे। सहित जो 35 जो नाजो लेवल फोल्ड कि मारियोनेट लाइन ये फेस रो रिंकल्स अच्छे जोटा कि स्टाटिक रिंकल इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी फेसियल एक्सप्रेशन से ही केस आम फिलर इंजेक्शन देकर ठीक कर सहित आउ गोटे नुआ प्रोसीजर थ्रेड लिफ्ट जितेबाला आपंकर सैगिंग आपंकर 30-35 एज पर फेसटा धीरे धीरे सैग कर आरंभ कला कि सैग करनी जे गोटे सर्जिकाली आम फेस लिफ्ट प्रोसीजर करवा तो से ही केस आमे कौन करुचु गोटे अब्जर्वेबल थ्रेडटा गोटे पॉइंट रु दिखाई से स्किन टाक आम लिफ्ट कर पारे। तो से इनिशियली से थ्रेड द्वारा लिफ्ट होतापर से जो थ्रेडटा मेल्ट हो आसूरी जो कोलाजन सिंथेसिस होती आहरी टाइटनिंग करुच्चे तो से स्किनटा बहुत मानते यंग देखा ग्लो भी भल आसुच्ची तो फेसटा टाइट हो रिंकल्स भी देखा तो यहाँ भी थ्रेड लिफ्ट गोटे जोटा से बहुत पपुलर नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स रे ता सहित लेजर हेयर रिमूवल। लेजर हेयर रिमूवल आपण सुनिथिबे जो गुडाक अनवांटेड हेयर मनकर जणकर स्त्री लोक हो किंबा यंग फीमेल हो तांकर अपर लिप रे हो चिन रे हो किंबा बियर्ड एरिया रे हो से जगह रे जदि हेयर्स आसुची ताले बहुत ऑकवर्ड देखा जुचि तो ताको बारंबार वैक्सिंग करिया पडुची। तो इवन बहुत जण तांकर हात गोड़ो बॉडी एरिया प्राइवेट पार्ट्स रे जो हेयर टाक भी लेजर हेयर रिमूवल द्वारा को रिमूव कर बहुत जनकर धारणा अच्छे जे आमे थरे जिबा आउ लेजर हेयर रिमूवल कर देबा ताहला ओके बेबी हेयर आसीबन सेटा ठीक नो कारण लेजर रो जो मेकानिजम एक्शन हला तो जो एरिया रे आमे लेजर दबा से एरिया रे जति की हेयर्स ग्रोइंग स्टेज रे थिबे जो अनाजन फेज रे थिबे सेतिके हेयर ऊपर ही लेजर काम दबो तेणु गोटे एरिया रे सबु हेयर गुड़ाक ग्रोइंग स्टेज रे नथिबे तेणु आमको मल्टीपल सेसन दरकार। तो यूजुअली आम एक्सपीरियंस रु आम 8-10 सेसन जदि करूचे लेजर हेयर रिमूवल ताहले सेटा इफेक्टिव होउचे तेणु पेशेंट को रेगुलरली आसिया पड़िबो 3 weeks इंटरवल आसिया पड़िबो तो प्रति 3-3 सप्ताह रे से आसिबो आ मिनिमम 8-10 सेसन करिबो ताहले इफेक्टिव हो। तो ये गुड़ाक हैला अमर जोटा को नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक सर्जरी। तो यह हूँ मु सब आपन को एक्सप्लेन कली कॉस्मेटिक सर्जरी जोटा कि आम सर्जिकल पार्ट भी कहली नॉन सर्जिकल पार्ट भी कहली। तो कॉस्मेटिक सर्जरी नहींक्री आपन ओवरऑल गोटे धारणा होती बोली मु मन करुच्ची किंतु गोटे जिनस मन रखि था कॉस्मेटिक सर्जरी चाहिदा दिनु दिन आपण
बढ़ि चली आईपाई जदिओ इट इज अनफर्चुनेट जे जड़े जदि भल देखा ताकु चाकरी क्षेत्र भी तार उन्नति ताकु भल सैलरी मिलूँ तो यहाँ अनफर्चुनेट बट किंतु सोसाइटी से भाया हो गला लोक सदा बेले निजुक सुंदर देखा चाहते सोसाइटी भी अन्न मानक सुंदर देखा चाहते तेणु कस्मेटिक सर्जरी गोटे आमर जोटा कि कन्फिडेन्सटा को लोकंर बढ़ोची आईपाई तार चाहिदा दिन दिन बढ़ी जाइए। हाँ ये साइड इफेक्ट तो सब सर्जरी अच्छी किंतु आपण सदा बेले गोटे जिनस मन रखिथे जितेबले कौन सी कस्मेटिक सर्जन पाखु जाउचंती आगो तांकर क्रेडेंशियल निश्चय चेक करिवे जेंते बैंक रे आपणकर केवाईसी अच्छी सेथरे एसे भेला आपण नो योर कस्मेटिक सर्जन गोटे हला कस्मेटिक सर्जन निश्चय प्लास्टिक सर्जरी क्वालिफाइड हवा दरकार। सेकेंड जिनस हला आमर जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन तार मेम्बर थिबा निहाति दरकार कारण जणे तार सेतिक क्रेडेंशियल नथले ताकु ताकु मेम्बरशिप मिलिबो नै तो सेटा निश्चय ध्यान देबे। ता सहित जितेबेला आपण ता सहित कथा होउचोंदी सेतेबेले आपण जहाँ भी प्रोसीजर चाहूँचंती सेटा को प्रांजल भाव में बुझंतु से प्रोसीजर कौन तार साइड इफेक्ट कौन तार रिकवरी टाइम केते तार खर्च केते सब जिनस बुझंतु बेले बेले आपण एक्सपेक्टेशन हुए तो जितकि थी से अनुसार साइंटिफिकली रिजल्ट अचीव कर पारिबनी तेणु सेटा को भी आपण मनरे रहिया पड़े जे हाँ एतिक हेले मु खुशी हेबी तो से जिनसटा आपण मन रहिया दरकार तो प्रांजल भाव रुंतु आउ गोटे हला भल हॉस्पिटल भल प्लाटफर्म ही कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे जो भी प्रॉपर इक्विपमेंट थी प्रॉपर सेटअप थी और बैकअप थी जमी आईसीयू बैकअप जदि अच्छी भल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल अच्छी तो से भाया जगह जी आप कौन कॉस्मेटिक सर्जरी करूँ जहाँ भी किसी सुविधा असुविधा है तो आपको गोटे भल बैकअप अच्छे तो से सदा बेले कॉस्मेटिक सर्जरी कला पूर्व दुई तीन थर भल भाव में जाकि बुझुतापर जा कॉस्मेटिक सर्जरी कर धन्यवाद।